नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसे आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। और आपके साथ अगले आधे घंटे इस कक्षा में मैं याशु गांधी। तो हर बार की तरह हम आज भी लेकर आए हैं एक अलग और नया विषय, और इसके बारे में आपको जानकारी देते क्लास 9th के बच्चों के लिए हम साइंस का लेकर आए हैं चैप्टर 8, जिसका नाम है मोशन। और इसे आपको विस्तार से बताने के लिए जो खास मेहमान, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, आइए आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं पीजीटी फिजिक्स से मिस सुरुचि अग्रवाल। मैम, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू इन द सेशन। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच मैम। तो मैम से हम मोशन के बारे में समझें, उससे पहले दो खास बातें आप सबके लिए, और वो ये कि आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर होंगे, और अगर नहीं है तो आप कहीं नोट डाउन कर लें या सेव कर लें। लगातार स्क्रीन पर ये नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। सेशन के दौरान आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट से सब्जेक्ट से जुड़ी हुई अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चूंकि क्लास 9th है और विषय साइंस है, तो जाहिर सी बात है अपने नोटपैड, आईपैड और अपने पेन पेपर के साथ आप बिल्कुल तैयार होंगे। तो करते हैं शुरुआत। मैम, जीवन की जो गति है, निरंतरता है, उसको बहुत महत्वता दी जाती है, लेकिन जब इसी गति को, इसी मोशन को हम विज्ञान के नज़रिए से समझते हैं तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो प्लीज़ प्रोसीड मैम। सो आज हम इस सेशन में हम बात करते हैं चैप्टर 8 मोशन की, जिसमें हम मोशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के जो टॉपिक हैं वो, उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वी विल आल्सो डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम विद द डेफिनेशन ऑफ मोशन, लाइक व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मोशन। एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैम आपसे। बिल्कुल मैम, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। ओके, हाँ, बिकॉज आप ही को मुझे स्टूडेंट समझना पड़ेगा। जी जी जी। अगर आप एक जगह पर खड़े हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ प्लेस, आर यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन? रेस्ट, क्योंकि मोशन को हम मूवमेंट से, गति से कनेक्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो बिकॉज मोशन में हम कहते हैं कि अगर हम एक ही जगह पर हैं, अगर हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मींस हम रेस्ट पर हैं, राइट? जी। अगेन, अगर आप सपोज लेट से अपने घर से अपने ऑफिस तक जा रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में आप मोशन में, ऑफ कोर्स। बिल्कुल, क्योंकि वो मूवमेंट हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो मूवमेंट हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, वी कैन से दैट द चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज डिस्क्राइब्ड एज मोशन, राइट? सो सम एग्जांपल्स आर like a moving car, the birds flying in the sky, मछलियां जल में तैर रही हैं, हमारी जो veins में और arteries में जो blood flow कर रहा है, that is again an example of motion. In fact, everything around us, the atoms, molecules, planets, star, galaxy, everything is motion, isn't it? So now, I'll take one situation here to differentiate between motion and rest, and also another perception. Suppose you can see in the figure, कि दिस इज अ स्कूल बस लेट से, और उसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ड्राइवर उस कार, उस बस को चला रहा है। अब अगर हम एक बॉय जो कि एक लड़का जो कि उस बस के अंदर बैठा है, अगर हम उसके परसेप्टिव से देखें, तो उसके हिसाब से ये जो लड़का बाहर खड़ा है, बस के बाहर मतलब रोड पर खड़ा है और बस चल रही है, ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, राइट? और जो फेलो उसके फ्रेंड्स हैं जो बस के अंदर ही बैठे हैं, उन वो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, इजंट इट? तो अभी तो हमारी डेफिनेशन थी एवरीथिंग व्हिच इज मूविंग इज इन मोशन,
एवरीथिंग विच इज नॉट चेंजिंग द पोजिशन इज एट रेस्ट. बट अगर हम यहां पर देख रहे हैं एक बच्चे के परसेप्टिव से जो बस के अंदर बैठा है, तो जो बच्चा बाहर है वो तो उसके लिए मोशन में है, लेकिन जो बच्चे उसके अंदर बस में बैठे हैं वो उसके लिए रेस्ट में है. और यही चीज अगर हम जो बच्चा बाहर खड़ा है उसके परसेप्शन से देखें, तो बस भी मूव कर रही है और जो बस के अंदर जो बच्चे हैं वो भी मोशन में है. सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वॉट कैन बी कंक्लूड कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट कैन बी डिस्क्राइब बाई जस्ट लुकिंग इट इट्स यू नो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कि उसकी पोजिशन सेम है या डिफरेंट है. समथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड एंड दैट समथिंग एल्स इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट. तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में मोशन, अल्टीमेट मोशन और अल्टीमेट रेस्ट तो कुछ भी नहीं होता है, राइट? सो मोशन इज एक्चुअली अ रिलेटिव टर्म जो कि डिपेंड करता है कि किसके परसेप्टिव से हम देख रहे हैं कि एक बॉडी एक किसी पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन में हो सकती है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वही बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है. तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट और उस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं. अब इस सिचुएशन को दोबारा देखते हैं. विद रेफरेंस पॉइंट कंसीडरिंग टू बी द बॉय स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, राइट? अब अगर रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन हमारा ये बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द बस है ऑन द रोड, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे द बस इज इन मोशन, राइट? लेकिन अगर यहीं पर हम इस एक बच्चे को जो कि बस के अंदर बैठा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, लेट्स से हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, राइट? तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बच्चा जो बाहर खड़ा है ये तो मोशन में है जो कि पीछे जा रहा है, इससे उल्टी दिशा में जा रहा है, लेकिन ये जो इसके साथ में जो बच्चे बैठे हुए हैं बस में वो उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में. सो दैट इज हाउ वी कैन से नाउ कि मोशन इज एक्चुअली अ रिलेटिव टर्म. देयर इज नो बॉडी विच कैन बी एट अल्टीमेट रेस्ट और एट अल्टीमेट मोशन. मोशन डिपेंड्स अपॉन क्या हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, राइट? बिल्कुल मैम. अगेन यहां पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ये मोहन है, राइट? अब इस मोहन का ये घर है, इसके घर से इसका स्कूल का जो डिस्टेंस है लेट से वो है 2 किलोमीटर. तो यहां पर जो रेफरेंस पॉइंट हुआ वो क्या हुआ? वो मोहन का घर हुआ. तो मोहन के घर को अगर हम ओरिजिन ले लें तो उसके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस बैठ जाता है उसका 2 किलोमीटर, राइट? लेकिन अगर यही रेफरेंस पॉइंट हम कोई ये पोजीशन ले लेते हैं पॉइंट ए, ये ट्री ले लेते हैं, तो यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा लेट से वो 1.5 किलोमीटर है. सो देन फ्रॉम दिस पॉइंट ए द डिस्टेंस विल बी 2 किलोमीटर. ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द रेफरेंस पॉइंट या मोशन को हम उसके रेफरेंस पॉइंट के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं. नाउ वी नो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ यू नो मोशन. हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, बट इन दिस चैप्टर वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग टू डिस्कस मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद सम एग्जाम्पल. सपोज आई टेक दिस, दिस इज अ स्ट्रेट रोड and these are the reference points which are, the reference point is again O. O is the origin here, right? And suppose I consider that an object moves from point O to A via point C, then it goes through point B and then finally it reaches to point A and then come back to point C. ठीक है, पहले O से C तक गया, फिर C से B तक, B से A तक और फिर वापस C तक आ गया. तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें कि कितना उसने पाथ कवर किया, द लेंथ ऑफ द पाथ, तो वो एक्चुअली में क्या होगा? इफ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस ओ ए एंड ओ एंड ए सी, पहले ओ से ए तक गए तो दैट वाज एक्चुअली 60 किलोमीटर. उसके बाद इसमें ऐड कर दिया हमने, अब देखिए हर डिवीजन 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो अगर हम उल्टा चलें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये हो गया 35, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 35 किलोमीटर. तो फाइनली जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थी वो हमारी आ गई 95 किलोमीटर. दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द पाथ एंड दिस लेंथ ऑफ द पाथ
is described as a distance travel. Is described as a distance travel. लेकिन अगर अब distance travel जो होता है वो होता है the length of the part covered. Okay, between the starting point and till the ending point. अब इसी situation को हम बात करते हैं with the in account with the direction as well. अभी जो हमने displacement distance की बात की थी उसमें केवल हमने magnitude part लिया था. ये जो length of the part थी, ये जो हमारा 95 kilometers था, ये क्या था हमारा 95 किलोमीटर्स वॉज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल, जिसको हमने डिस्टेंस बोला. तो ये 95 किलोमीटर्स हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, राइट. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ डिस्प्लेसमेंट की, नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी अकाउंट में ले लेते हैं कि लाइक वो ओ से ए तक गया वाया सी टू बी, सी बी एंड देन ए, एंड देन ए से होता हुआ बी से पास होता हुआ फाइनली फिर सी पर गया. तो इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करेगी केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे. ओके, व्हाटएवर इज द व्हाटएवर वाज नेट डिस्प्लेसमेंट व्हिच वी कैन से इज बिटवीन ओ टू से इज जस्ट 25 किलोमीटर्स. 25 किलोमीटर्स का डिस्प्लेसमेंट है व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओ टू ए देन टू सी कमिंग बैक टू सी. So this is how we differentiate between distance and displacement. Distance is just the length of the path traveled by the particle, but whereas the displacement is just depending on the direction as well, and it depends on the shortest path, how much the body has traveled. Now the another question is, can the magnitude of displacement be equal to the distance traveled by an object? अभी हमने जो situation देखी उसमें distance कुछ और था, displacement कुछ और था. But now the question is कि क्या दोनों सेम हो सकते हैं. नाउ लुक एट द सेम सिचुएशन. अगर मैं इनिशियल पॉइंट ओरिजिन अगेन ओ को लूं और द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओ टू ए, दैट्स इट, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, विल इट बी 60 किलोमीटर्स, राइट, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर, एंड वॉन्ट इट बी द डिस्प्लेसमेंट एज वेल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो वही है, वही तो मिनिमम पाथ है ना दोनों पॉइंट्स के बीच का, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच. तो इन दिस सिचुएशन वी सी दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम. अगेन अब एक ये सिचुएशन देखते हैं. सपोज दिस इज अगेन आई टेक मोहन, ठीक है. मोहन ने यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट किया, हमने पॉइंट ए को लिया ओरिजिन और द रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है और उसे जाना है इस दूसरे पेड़ पे पॉइंट सी पर, और वो पाथ जो फॉलो कर रहा है वो बी से होता हुआ जा रहा है, वो अपने घर जा रहा है पहले, लेट्स से ये उसका घर है पॉइंट बी पर, और फिर बी से वो इस पॉइंट सी पर जा रहा है. तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है वो कितना हुआ, 4 + 3 मीटर, दैट इज इट विल बी लाइक 4 + 3, दैट इज 7 meters, अगर हम मीटर्स में कंसिडर कर रहे हैं तो. ओके, नाउ अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो होगा जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, एंड दैट इज एज वी कैन से हियर दिस इज 5 meters. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो हियर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू सी व्हेन द बॉय मूव्स वाया बी इज 7 meters, वेयर एज द डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 5 meters, द शॉर्टेस्ट पाथ. नाउ an object has moved through a distance, can it have a zero displacement as well? Is it possible ki move bhi kar rahi hai body, usne distance bhi travel kiya lekin displacement zero ho gaya? Can we think about this situation? Again the same situation, suppose the particle starts from point A, reaches to point A via moving through C to B and then A, and then coming back finally to point O again. अब इसमें जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 60 + 60, दैट इज 180 किलोमीटर, एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल और इनिशियल पॉइंट द सेम ही है, तो इन द सिनेरियो द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. सो दिस इज द सिचुएशन वेयर वी सी डिस्टेंस है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है. सो नाउ दीज वर द फ्यू पॉइंट्स, द डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड जस्ट ब्रीफिंग अप. The total length of the path covered is called distance, whereas the shortest distance between the initial and the final position of an object is termed as displacement.
Now we are going to describe the motion as a uniform and non-uniform motion. Again, I take a situation. Suppose ये एक कार है. This is one car जो origin O से start करी move कर. And अगर हम यहाँ देखें कि ये equal time intervals हैं let's say, तो equal time interval में अगर वो equal distance travel कर रही है, then such a motion is called uniform motion. Okay? Equal time में equal displacement travel कर रही है, then such a motion is uniform motion. But in the another scenario, if you see that, ये equal time intervals हमने यहाँ ले लिया था, तो इसका time interval भी हम यही लेते हैं. अब यहाँ देखिए, equal time interval में the distance travel is unequal. यहाँ पर इस time duration में तो इतना ही distance travel किया, but same time duration में उसने ज़्यादा distance travel कर लिया. So such a motion is called non-uniform motion, right? Now let's say how can we measure the rate of the motion? We can measure the rate of the motion in terms of speed and velocity. Now, first of all, talking about the speed, it is defined as the distance traveled by an object in unit time. Okay? And numerically, we can say average speed is total distance traveled upon total time taken. Now, why I'm calling it as an average speed? Because normally, when bodies travel, तो उनका थोड़ा बहुत स्पीड कम ज़्यादा, कभी वो फास्ट चलती हैं, कभी वो स्लो चलती हैं. सो वी टेक द ओवरऑल रेट एज द स्पीड, एवरेज स्पीड रेट. ओके, सो वी कॉल इट एज एन एवरेज स्पीड. वी कॉल इट एज एन एवरेज स्पीड विच इज मेजर्ड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. एंड इट्स एसआई यूनिट इज ऑफकोर्स एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स एंड टाइम इज सेकेंड, सो इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड. एंड देर आर अदर यूनिट्स एज वेल, kilometer per hour. When we talk about the car moving on, the vehicles moving on the road, generally we measure the speed in meter per, in kilometers per hour, or the smaller unit is again centimeter per second. Velocity is what? When we consider the direction as well along with the speed. जैसे हमने displacement में distance के साथ magnitude के साथ direction consider किया था, तो वो displacement बन गया था. Similarly, अगर हम speed के साथ direction भी consider करते हैं, तो वो velocity है. So velocity is the speed of an object moving in a definite direction, right? And average velocity again is the net displacement upon time taken. SI unit is again meter per second, or the larger unit is kilometer per hour, or also we can say express it in centimeters per second. Now this is one of the NCERT example I have taken here, just to understand this more clearly, the concept of velocity and speed. Now, Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to the another end back. Suppose this is the origin point as A of the pool, and the another end of the pool is point B. B se wo A tak wapas aaye. So what is the total distance traveled? The total distance traveled is 90 plus 90, that is 180 meter as mentioned in the question, right? And we need to find out in the time taken is 1 minute. The time taken is 1 minute here. So 1 minute ko we can write down 60 seconds. Okay. And we need to find out the average speed and the velocity. Ab agar hum average speed ki baat karein, right? If I talk about the average speed, so average speed is again the total distance travel upon the total time taken. Okay. So it will be 180 by 60. So how much we are going to get it? 180 by 60, we are going to get it at 3 meter per second. Okay, but agar hum average velocity ki agar baat karein, it has to be displacement upon time. So if it is displacement upon time now, then how much is the displacement here? Since she starts from A, reaches to B, and then return back to A, so displacement comes to be 0, time is 60 again, and here the speed comes to be 0 meter per second. So that is how we are able to understand that what is the difference between the speed and the velocity, right? That is how we describe the speed and the velocity. Now, again, the rate of change of distance is speed. Similarly, we are going to talk about the meaning of the rate of change of velocity now. Now again, coming to the example of the uniform motion again. यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ, है ना? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ, एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल अब क्या होगा?
जीरो होगा ऑफ कोर्स. जब अगर यूनिफॉर्म मोशन है इट मींस व्हाट, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. इट मींस व्हाट, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, के कारण वेलोसिटी कांस्टेंट है. और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल हैज टू बी जीरो ऑफ कोर्स. लेकिन अगर मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, दैट इज द वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम. यहां पर हमें दिख रहा है यहां पर स्पीड कम है, यहां पर स्पीड बढ़ गई, isn't it? तो क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस सिचुएशन में ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. और यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा विद अ टाइम इंटरवल, दैट विल बी नॉन जीरो, राइट. एंड इसको हम डिफाइन करते हैं विद द टर्म कॉल, विद अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल एक्सीलरेशन. सो हाउ डू वी डिफाइन एक्सीलरेशन? इट इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अगर हम इसकी ऐसे यूनिट की बात करें देन इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू यू, अब अगर हम वेलोसिटी में चेंज मान रहे हैं तो ऑफकोर्स उसमें एक इनिशियल वैल्यू होगी और एक फाइनल वेलोसिटी होगी, इजंट इट? तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम यू से डिनोट करें और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी को हम वी से डिनोट करें, तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज चेंज इन स्पीड, isn't it? Yeah, change in velocity. So v minus u upon t. This is how we can express the expression of acceleration. मैम आप velocity, speed, motion और time की बात कर रही हैं, उसी तरीके से हमें हमारे कार्यक्रम में भी समय का, टाइम का, स्पीड का ध्यान रखना होता है. और बहुत कम समय बचा है तो मैं चाहूंगी कि आप टॉपिक को हमारे बच्चों के लिए जल्दी से रैप अप करें और जो पॉइंट्स छूट गए हैं वो हम अगले सेशन में कवर कर सकते हैं. राइट मैम. सो बेसिकली हम अगर अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन का आइडिया तो ले ही लिया है. सो लेट अस सी व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, दैट मोशन इज अ चेंज इन द पोजीशन. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट. द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट और चेंजिंग. एंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. And velocity is the displacement per unit time. And finally, we have studied that the acceleration of an object is the change in velocity per unit time. So today, we have studied till here. We are going to continue in the next session in more detail about the acceleration and the graphical representation of motion. बिल्कुल मैम, जो इसमें पॉइंट छूट गए हैं वो हम अपने दूसरे सेशन में कवर अप करेंगे. लेकिन अभी आज आपने सेशन में बहुत ही सिंप्लीफाई वे से मोशन, टाइम, वेलोसिटीज़ को हमारे बच्चों को एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. और इसी के साथ अभी के लिए सेशन में इतना ही. लेकिन कुछ खास बातें आपके लिए कि लगातार, चाहे वो सुबह का योग का हमारा कार्यक्रम हो प्रातःकाल 8 बजे या फिर दोपहर को 12 बजे टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन का कार्यक्रम हो या फिर शाम को 5 बजे सहयोग सेशन हो, और इसके अलावा 2 बजे से लगातार चलने वाले अलग अलग विषयों पर हमारे लाइव इंटरेक्टिव सेशन्स हों, तो वो ज़रूर देखते रहिए. अपना बहुत ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए. और अभी के लिए सेशन में इतना ही. नमस्कार.